देखो यहाँ पे भी मतलब कितनी लाइट्स वगैरह चल रही है सारी सारी। ये देखिए मतलब कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। तो अब सिरेगा सारे भाई लोगों ने दोस्तों, मैं थोड़ा अपना हर्षिता किचन बहुत सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस अभी हम अपना ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं लगभग 2 बजे के करीब, मतलब 3 बजने ही वाले हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं दोस्तों एक बढ़िया फेमस जगह जा रहे हैं दिल्ली की, कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सोचेगा ना कुतुब मीनार आपको दिखाया जाए ब्लॉग में दिखाएंगे। तो कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, सब आपको पूरा कुछ बताऊंगा इसी ब्लॉग में। तो पहले घर के बाहर चलते हैं, क्योंकि घर के बाहर निकलूंगा दोस्तों तभी तो मैं पहुंचूंगा मेट्रो स्टेशन तक। मेट्रो से ही जाएंगे वैसे हम लोग फाइनली, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी इसी ब्लॉग में आपको सब दिखाएंगे। चलते हैं घर के बाहर, बहुत से आपसे मिलेंगे। लेट गाइस हम आ गए फाइनली घर के बाहर। तो अभी यहाँ से पहले घर के बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ से आगे मेट्रो स्टेशन जाएंगे शगुर मेट्रो स्टेशन। तो वहीं से पहुँच के आपसे मिलूंगा मेट्रो स्टेशन भी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं शगुरपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी हमें जाना है यहाँ से सीधा आई एन ए से सीधा पकड़ेंगे वहाँ से मेट्रो। तो वैसे मैं आपको मेट्रो में वहीं मिलकर ही मिलूंगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर। कुतुब मीनार ही हमारा वही स्टेशन है जहाँ से हम ले सकते हैं कुतुब मीनार के लिए ऑटो। तो वहीं पहुँचते हैं, फिर वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं से ब्लॉग हमारा कंटिन्यू होगा, वहीं मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस हम पहुँच गए फाइनली कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से आगे हमें जाना है, तो एक बार आपको इसका दिखा देता हूँ कैसा दिखता है मेट्रो स्टेशन। पीछे ट्रेन देख ही रहे, इसी से आया हूँ येलो लाइन से आई एन ए से चेंज कर। तो एक बार आपको कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन दिखाते हैं कैसा बना है। देखिए नॉर्मल स्टेशन की तरह ही बना हुआ है। ये देखिए बढ़िया स्टेशन है एकदम एकदम साफ सुथरा। तो चलते हैं बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आपसे मिलते हैं। हम आ गए फाइनली इसके बाहर। तो ये गेट नंबर कौन सा है मुझे पता है इसका, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो गाइस ये है कुतुब मीनार गेट नंबर 2, जहाँ से हमने एग्जिट लिया है अपना। तो चलते हैं आगे। तो गाइस हमने फाइनली ऑटो लिया है यहाँ से कुतुब मीनार तक जाने के लिए। 20 रुपये का एक ऑटो पड़ा मुझे तो आ रही है। तो हम वहीं पहुँच कर आपसे मिलेंगे कुतुब मीनार पर। मोमेंट्स लेटर गए हमने कुतुब मीनार देखने के लिए। तो पहले पता करते हैं कि इसके अंदर एंट्री कहाँ से है, टिकट काउंटर का ढूंढते हैं सबसे पहले। पहले तो वहीं से टिकट लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना देखने कुतुब मीनार को। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले हमने टिकट भी ले ली है, मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है अपनी 40 रुपीज़ तक की, 45 रुपीज़ तक की है हमारी ऑनलाइन टिकट। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसकी एंट्रेंस कहाँ से कुतुब मीनार की। सबसे पहले फाइनली हमें इसकी एंट्रेंस भी मिल गई है कि दूसरी तरफ सड़क है, तो वहाँ जाना है। तो पहले सड़क क्रॉस कर लूँ, फिर मैं आपको वहाँ की एंट्रेंस दिखाता हूँ कैसी बनी है यहाँ की एंट्रेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। रही इसकी एंट्रेंस, तो ये देखिए सामने इसकी एंट्रेंस बनी हुई है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे आगे। तो आगे पहुँच के आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू कैसा बना हुआ है कुतुब मीनार अंदर से, कैसा बना हुआ है। एकदम बढ़िया गार्डन बना हुआ है यहाँ पर, वो देखिए क्या आर्टिफिक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो अब और इसके अंदर चल के देखते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ बना हुआ है अपना, जो मेन हमें देखना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुतुब मीनार पूरा पास से दिखाइए। तो गाइस फाइनली कुतुब मीनार भी हमें दिखा गया है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार, लेकिन वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है। फिर अभी कुतुब मीनार आपको दिखाएंगे, जिसका लाइट शो जो होगा वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ऐसा बना हुआ है ये, मतलब देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ये, थोड़ा घास है थोड़ा पास जाके। तो गाइस ये बना हुआ है कुतुब मीनार हमारा, देखिए कैसे बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें में मिक्स करके बनाई गई और कितने मजबूत है ये। देखिए बड़ा भी है का प्योर, मतलब क्या 5 बिल्डिंग जितना बड़ा है ये, मतलब देखने में बढ़िया ही है। तो इसका जो देखना है हमें आगे, तो आगे दिखाते हैं और क्या क्या बना है यहाँ पे। तो गाइस एक बार ये क्राउड चेक करूँ, मतलब कितना क्राउड आया है यहाँ पे, हज़ारों लाखों लोगों का क्राउड आता है हर वक्त यहाँ पर। और देखिए मतलब कितना अच्छा क्राउड है इसको कुतुब मीनार को देखने आए हैं। तो एक बार इसका गेट दिखाता हूँ आपको कि इसकी गेट कहाँ पे है जो बंद है। इस गेट को बंद कर रखा है हज़ारों साल काफ़ी सालों से, और ये खुलता भी नहीं है अब कभी। तो ये देखिए इसके लिए अंदर ना जाए लोग, इसलिए यहाँ पे लोहे के डंडे लगा रखे हैं। देखिए आपको ये गेट दिखाया, एक्चुअल में ये हमेशा बंद ही रहता है, हज़ारों सालों से बंद है ये। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, इसमें कहते हैं कि एक हादसा हुआ था कि इसमें एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप था, उसमें गिर गए थे कई बच्चे इसके ऊपर से, जिस वजह से उनके कई घायल हो गए, कई मर भी गए। तो इस चक्कर में कहते हैं कि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की सीढ़ियाँ भी कहते हैं बहुत छोटी बनी हुई है और अंदर अंधेरा भी बहुत है। तो इसलिए कभी भी इसके अंदर जाना इसलिए बना कर दिया, क्योंकि उस हादसे के बाद से इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है। देख लीजिए लोग मतलब कैसे खड़े हुए बाहर से ही देख रहे हैं, तो अंदर भी लोग देखते थे इससे, पर अब देखना अलाउड नहीं है दोस्तों, रिस्क भी है इसमें इतना, इसलिए कि ये सेफ्टी कर दी है यहाँ पर काफ़ी। तो चलिए और चीज़ें दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या है बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के, और कुतुब मीनार के साथ में ही। वो देखिए उधर गार्डन भी है एक, और इधर ये
अकेले बने हुए पत्थरों, कितने मजबूत है आज के टाइम में भी ये, और पत्थर भी कितना बड़ा है इनका आज के पत्थरों के हिसाब से। भाई बड़ी मजबूत चीज़ें बनी हुई है यहाँ, तो देखने में मज़ा ही आ रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको इसकी टिकट प्राइस बता देता हूँ कि मुझे कितने तक की टिकट पड़ी है इसके अंदर। एक्चुअली मुझे पड़ी है 45 रुपीज़ की, क्योंकि मैंने किसी से बुक करवाई थी। क्योंकि आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बाय कैश भी ले सकते हैं। तो फॉरनर्स के लिए यहाँ पे अलबा 500 रुपीज़ तक की टिकट है, क्योंकि गाइस उनकी थोड़ी करेंसी भी अलग होती है हमारी करेंसी से, इसलिए। मतलब ये कुतुब मीनार इन द बेस्ट प्लेसेस हैं फॉर विजिटिंग इन दिल्ली। यहाँ पे आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहन बच्चों वगैरह सबको लेकर आ सकते हैं घुमाने के लिए। क्राउड तो आप एक बार देख ही चुके, एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको क्राउड। ये देखिए, ये देखिए गाइस मतलब कितना क्राउड आया हुआ है कुतुब मीनार के साथ, और लोग फोटो भी कैसे खिंचवा रहे हैं और ये देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों मतलब हर साल हमेशा हज़ारों लाखों टूरिज्म आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए दूर दूर से, क्योंकि मतलब बहुत फेमस है ये कुतुब मीनार इसी चीज़ के लिए, लाइटनिंग वगैरह तो इसके लिए। यहाँ पे लाइट्स भी लग रखी है, जहाँ से लाइट्स पड़ती है कुतुब मीनार के ऊपर, और देखिए मतलब कितनी बड़ी लाइट्स है ये, और क्या कनेक्शन कर रखा है इनका। उधर देखिए पुल भी बना रखा है इसके ऊपर जाने के लिए, भाई कोई यहाँ किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी बने हुए हैं, यार डू नॉट टच लिखा हुआ, डैमेज और स्मोकिंग वगैरह कुछ कूड़ा फेंकना बना है आप सब कुछ। अच्छा ये आके देख लीजिए आप भी। तो गाइस ये देखिए मतलब यहाँ काफ़ी आर्टिफिक्चर्स बन रखे हैं, ये देखिए कितने, और ऊपर से देखो प्लेन भी यहाँ से निकलते रहते हैं क्योंकि एयरपोर्ट भी है यहाँ पे इस तरफ। ये देखिए कितने बढ़िया आर्टिफिक्चर है, तो एक बार इसको अंदर से आपको एक आर्टिफिक्चर दिखाते हैं। अरे गया तो बस ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है, मतलब ये तो मैं किसी गार्डन में ही आ गया ऐसा लग रहा है। ये देखिए मतलब किले बने हुए हैं, ये लग रहे हैं जैसे कि बुलबुली है पूरी पूरी, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो चलिए और दिखाते हैं इसके ऊपर कहाँ कहाँ चढ़ सकते हैं, ऐसे उसके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। ये देखिए सुन करके आपको दिखाते हैं एक बार, ये देखिए मतलब कैसे लोग चढ़े हुए हैं। तो और चीज़ें दिखाएंगे आपको इसमें, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो इस कुतुब मीनार आकर मतलब इसमें बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, कि एक काफ़ी टाइम बाद आया, वो मैं मतलब पहली बार ही आया हूँ कुतुब मीनार, आप ये समझ लीजिए। कुछ पता ना हो दोस्तों, पर इसके लिए थोड़ा रिसर्च करके मैंने इसको बनाया है, इसकी स्क्रिप्ट बनाई सब कुछ। एक मज़ा आया दोस्तों ऐसी जगह पर घूमने का, हाँ घूमने का। आज के टाइम में इन्हीं जगहों पर घूमो, मज़े लो नेचर के, ज़िंदगी के यही दो पल लगाई जियो आराम से अपने। तो चलो और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई जिसमें लोग ऊपर चढ़े थे, कृपया आप ना चढ़े, क्योंकि इसके बीच में एक गड्ढा बना रखा स्क्वायर सा, तो डर भी बहुत लगेगा, ना ही चढ़िए तो अच्छा है रिस्क ना लीजिए इसके ऊपर पर। तो या तो वैसे प्लेनों की इतनी आवाज़ें आ रही है, मतलब प्लेनों को सुनने का, प्लेन ही प्लेन है या तो। चलिए और थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको चीज़ें, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर ब्लॉग में दोबारा। तो गाइस अभी आपको चीज़ें दिखाई, कहीं भी हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई यहाँ पे जो बने हैं किले वगैरह, और ये देखें यहाँ पे आप बैठ के आप बच्चों का लंच वंच भी कर सकते हैं आराम से बैठ के कोई ज़मीन पे बैठे हुए सारे लोग और मज़े कर रहे हैं। ये देखिए और ये गार्डन बना रखा है एक अलग ही वहाँ बैठने का, ताकि लोग थोड़ा थक जाए तो वहाँ बैठ के अपना लंच वंच कर सके, रिफ्रेशमेंट ले सके। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ बैठकर, तो इस चक्कर में मैंने अभी ब्लॉग बंद कर रखा, अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि अभी थोड़ा लाइटनिंग शो शुरू हो जाए, फिर मैं आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में लाइटनिंग शो। फिर कुतुब मीनार तो आपको मैंने काफ़ी दिखा दिया दिन में, थोड़ा रात में भी दिखाएंगे, वेट करते हैं रात का थोड़ी देर, फिर वहीं से आगे मिलेगी आपको, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग अपना। 2000 years later फाइनली ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा। तो इसकी लाइटिंग शुरू हो गई है, पीछे देखिए अगर कुतुब मीनार में भी लाइटनिंग शो शुरू हो रहा है, हो गया धीरे धीरे होने लगा है, लेकिन लाइटिंग शो तभी देखेंगे दोस्तों, दिखाऊंगा आपको। देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं आपको अभी, लेकिन तभी दिखाऊंगा जब वीडियो को एक लाइक और चैनल को करेगी सब्सक्राइब। कर दिया, वेरी गुड। तो अब आपको दिखाते हैं इसका लाइट्स करते ही। तो गाइस आके लाइक एंड सब्सक्राइब करते ही ये देखिए लाइट्स इसकी चालू हो चुकी है, पर अभी शो चालू नहीं हो रहा, तो हम इसकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते ही आप लोगों के। तो इसकी लाइटिंग चालू हो चुकी है, ये देखिए मतलब कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। तो अब घर चलते हैं गाइस, तो घर चल के आपको इसका पूरा रिव्यू देंगे, लाइटिंग शो तो शुरू हो नहीं रहा इसका अभी, तो चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसका एक बात बता दूं कि इसकी टाइमिंग कितने बजे तक है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये खुला रहेगा, और 5 बजे इसमें लाइट शुरू हो जाती है आराम से और रात के टाइम इसे देखने का एक अलग मज़ा है। चलिए अब घर चलते हैं, घर पहुँच के आपसे मिलेंगे, पूरा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे सब कुछ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में घर पहुंच के आपसे। सो गाइस
2000 years later. हम आ गए फाइनली अपने घर। तो एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताता हूँ कुतुब मीनार का कैसा रहा। गाइस एक्सपीरियंस इन सेंस बहुत बढ़िया रहा मेरा एकदम बहुत मज़ा आया। कुतुब मीनार क्या लगता है दोस्तों, मतलब काफ़ी मार्बल से मिक्स होके ये बना हुआ है। रेड, ब्राउन, वाइट, तीन तरह के मार्बल से ये मिक्स होके बना हुआ है अपना। और इसके अंदर जो लाइटनिंग्स होती है वो देखने का एक अलग मज़ा है रात के टाइम। और रात के टाइम क्या चमकता है ये, तो मज़ा ही आ गया आज के ब्लॉग में। तो अब हमारा ब्लॉग होता है गेट में ख़त्म। वीडियो तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। चंगा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।